देश में कोरोना संकट टला नहीं है, बल्कि तीसरी लहर आने की आशंका लगातार बनी हुई है। हर दिन एक और नई मुसीबत खड़ी होती जा रही है। महाराष्ट्र केरल में कोरोना के बढ़ते केस के बीच खौफनाक जीका वायरस का पहला मामला सामने आया है। ये वायरस इंसान को मच्छर के काटने से होता है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक केरल की 24 साल की महिला में जीका वायरस संक्रमण पाया गया। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि महिला की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन उसका घर केरल और तमिलनाडु सीमा पर है। एक हफ्ते पहले उसकी मां में भी इसी तरह के लक्षण दिखे थे। जीका वायरस से संक्रमित होने के लक्षण डेंगू जैसे ही होते हैं, जैसे बुखार आना, शरीर पर चकत्ते पड़ना, जोड़ों में दर्द। लेकिन जीका वायरस क्या है और ये क्यों खतरनाक है, आपको जान लेना चाहिए। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज का कहना है कि तिरुवनंतपुरम में इस वायरस के 13 संदिग्ध मामले मिले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान यानी कि NIV से पुष्टि का इंतजार कर रही है। मंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम से 16 सैंपल भेजे गए, जिनमें डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इन सभी के जीका वायरस से संक्रमित होने का शक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर दिन के समय सक्रिय रहते हैं। हालांकि ये वायरस पहली बार भारत में नहीं मिला है, बल्कि साल 2017 में गुजरात के अहमदाबाद में इसके संक्रमण के 3 मामलों का पता चला था, जिसमें एक गर्भवती महिला शामिल थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जीका वायरस रोग के लक्षण आमतौर पर 3 से 14 दिन के बीच दिखते हैं। हालांकि इसमें संक्रमित अधिकांश लोगों में संक्रमण विकसित भी नहीं होता, लेकिन जिनमें होते हैं उनमें बुखार, त्वचा पर चकत्ते, कंजक्टिवाइटिस, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, सिर दर्द, बेचैनी जैसे लक्षण होते हैं। ये लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन गर्भावस्था के दौरान जीका वायरस संक्रमण विकासशील भ्रूण और नवजात शिशु में माइक्रोसेफली और दूसरी जन्मजात बीमारियों का कारण हो सकता है। प्रेगनेंसी में इसके संक्रमण की वजह से गर्भावस्था की गंभीर जटिलताएं भी देखने को मिलती हैं। ऐसे में भ्रूण का नुकसान, बच्चे का समय से पहले जन्म ले लेना या फिर बच्चे का मृत पैदा होना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के मुताबिक जीका वायरस के संक्रमण या इससे जुड़ी बीमारियों का फिलहाल कोई इलाज या वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, जिस तरीके से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन उपलब्ध है। हालांकि इसके संक्रमण के लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, इसलिए बुखार, त्वचा पर चकत्ते या जोड़ों में दर्द जैसे लक्षणों वाले लोगों को भरपूर आराम करना चाहिए, लिक्विड लेना चाहिए और सामान्य दवाओं के साथ दर्द या बुखार का इलाज करना चाहिए। अगर लक्षण बिगड़ते हैं तो उन्हें चिकित्सा देखभाल और सलाह लेनी चाहिए। WHO ने जीका वायरस से बचने के उपाय भी बताए हैं। जीका वायरस के संक्रमण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय तो है मच्छरों की रोकथाम। मच्छरों से बचने के लिए पूरे शरीर को ढककर रखें, हल्के रंग के कपड़े पहनें। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए अपने घर के आसपास गमले, बाल्टी, कूलर में भरा पानी निकाल दें। ज्यादा से ज्यादा लिक्विड का सेवन करें। जीका वायरस की कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, इसलिए लक्षण दिखने और स्थिति में सुधार न होने पर डॉक्टर को दिखाएं।